अगले हफ्ते द कपिल शर्मा शो के सीजन का होगा आखिरी हफ्ता, जिसे यादगार बनाने आ रहे हैं जुग जुग जियो की स्टार कास्ट और साथ ही साउथ के सुपरस्टार द वन एंड ओनली मिस्टर कमल हासन, जिनके साथ होगी ढेर सारी मस्ती और धमाल। नीतू मैम, अच्छा हुआ आप अनिल सर के साथ आई। क्यों? आज आपके साथ आए तो नाचते हुए एंट्री ले रहे हैं। पिछली बार सतीश कौशिक साहब के साथ आए थे उखड़े उखड़े, आ गए जल्दी करो निकलना है मेरे को, अगला शूट है। सर आपने 1981 में एक दूजे के लिए से प्रवेश किया हिंदी फिल्मों में। आपको पता सेम उसी साल एक लड़का पैदा हुआ अमृतसर में। So have you ever thought एक दिन आप उसके शो में आएंगे? मैं खुद लड़का था क्यारा अभी कुछ ही दिन पहले भूल भुलैया के लिए आई थी, आज जुग जुग जियो के लिए आई हैं। एक के बाद एक बहाने ढूंढ रही हैं मुझसे मिलने के लिए। जब चाची 420 आई तो सर, जैसे परेश रावल साहब हैं या दूसरे एक्टर, सबको पता था कि साड़ी के अंदर कमल हासन है, लेकिन जहां आप शूट कर रहे थे गांव में, किसी बुजुर्ग का दिल आ गया आपको देख के कि चाची बड़ी है सर? कभी कभी असिस्टेंट डायरेक्टर आता है डायलॉग बताने के लिए और मैं आई एम लुकिंग डाउन एंड सडनली ही स्टॉप्स एंड हिज हैंड्स आर शेकिंग। व्हाई? पल्लू गिर गया मेरा। क्या बात है, यहाँ तक आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा ये तो आप यहाँ कह रहे हैं, अभी पीछे आप कह रहे थे कि इतनी बड़ी फिल्म इस मनीष पॉल को कैसे मिल गई। पीछे की बातें आगे क्यों कर रहा है? समझ नहीं है तेरे को, छोटी बच्ची हो क्या? यहाँ पे हर एवरी पर्सन कैन डू एन इमिटेशन ऑफ अनिल कपूर। Am I right? We should do one more. First thing in the morning when he comes. कैसा लग रहा हूँ? कैसा लग रहा हूँ? अभी अगर अच्छे नहीं भी लग रहे बोलना पड़ता है। Very nice, Anil. अच्छा आप सब जानते हैं कमल सर ने अप्पू राजा फिल्म में एक डेढ़ आदमी का रोल किया था, मतलब एक तो ये नॉर्मल थे और एक छोटी हाइट वाले कमल हासन। हम लोग क्या बचपन में इतना सोचते रहते थे कि यार ये कैसे किया होगा? आप तो ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बचपन में बचपन नहीं 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 ऐसे जरा वो बात छोड़ी। अच्छा फिल्म के प्रमोशन में सब लोग ये कह रहे हैं कि शादी के बाद सब बदल जाता है, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ क्यों ऐसा कहा जाता है? शादी के बाद सब बदल जाता है क्योंकि बेटर हो जाता है। ये तो हो गया बीबी का डर, सच बताओ आप। मनीष आपका कियारा के साथ क्या रिश्ता है फिल्म में? यार तो मैं कियारा का भाई बनाऊं फिल्म में और मेरे को जैसे वो आपके भाई बने हैं आप भी इनकी बहन बन गई क्यों बोल रहा है? ये धर्मा की फिल्म मिली है कि कर्मा का फल मिला है?